महाकाल की नगरी में अचानक हुक्के की चर्चा जोरों पर है। हर कोई कश लगा रहा है। ये ना कोई शौक है ना कोई लत, ये बीमारी को दूर करने का प्रयोग है। उज्जैन के आयुर्वेदिक अस्पताल में अनोखे तरीके से मरीजों का इलाज किया जाता है। शायद देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि उज्जैन के सहकारी धन्वंतरी आयुर्वेदिक अस्पताल में धुएं के छल्ले उड़ाकर सेहत का वरदान लिया जा रहा है। सर, मुझे 3-4 साल से क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी फ्यूचर पास्ट में। तो जब से मैं सर के पास आई तो मैंने मुझे ये मेडिकेटेड हुक्का सर ने दिया और बाकी मेडिसिन के साथ, लेकिन मुझे काफ़ी रिलीफ हुआ और इतना रिलीफ हुआ कि मैं अभी कंटिन्यू आ रही हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब जितने मेरे प्रॉब्लम्स थे सब ठीक हो गए। अमूमन क्योंकि हुक्का पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, लेकिन यहाँ एक नए तरीके से जो इलाज कर रहे हैं, तो कितना आपको कितना एक अद्भुत ये लगता है, एक नया तरीका है। सर, हुक्का तो अपने यहाँ वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन ये ऑब्वियसली बात है कि हॉस्पिटल है और मेडिकेटेड है जी। और सर ने मुझे सारी प्रोसेस पहले से भी समझाई हुई थी और ये मेडिसिन, और इससे मुझे काफी रिलीफ भी हुआ। उज्जैन के चिमनगंज मंडी के आयुर्वेदिक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का जमावड़ा लगा हुआ है। ये हुक्का पी रहे हैं एक साथ, कोई रोकने और टोकने वाला नहीं। सच बात तो ये है कि इस हुक्के में कई बीमारियों का इलाज छिपा है। दमे का मरीज हो या फिर साइनस से परेशान रोगी, सर्दी जुकाम हो या फिर कोरोना से जंग जीत कर आई योद्धा हो, इन लोगों के लिए ये हुक्का रामबाण साबित हो रहा है। जी, मुझे लगभग 3-4 साल से अस्थमा की प्रॉब्लम थी। मैं कई जगह एलोपैथ का ट्रीटमेंट ले चुका था, पर मुझे इतना आराम नहीं हो रहा था। जब मैं आयुर्वेद हॉस्पिटल आया, सर के पास ट्रीटमेंट लेने आया, तो सर ने ट्रीटमेंट दिया और ये हुक्के का भी ट्रीटमेंट दिया। इसमें मेडिकेटेड कुछ दवाइयों से हुक्का पिलाया जाता है। इससे मुझे सुबह जो दम भराता था और भी सांस लेने में जो प्रॉब्लम्स होती थी, ठंड में जो प्रॉब्लम्स होती थी, उसमें काफ़ी रिलीफ हुआ मुझे। फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया हो तब भी ये हुक्का कमाल कर सकता है। कोरोना संक्रमण से तुरंत ठीक होकर आए कुछ मरीजों में कमजोरी आने की शिकायत होती है। कुछ लोगों के फेफड़े पूरी तरह से काम नहीं करते हैं, शरीर दबा दबा सा महसूस होता है, चलना फिरना पहले की तरह नहीं हो पा रहा है, सांस फूल जाती है, तो आप भी आइए इस हुक्का बार में। जी, आयुर्वेदिक टेक्स्ट में धूम्रपान का वर्णन है कि हमको प्रतिदिन धूम्रपान का प्रयोग करना चाहिए, परंतु ये धूम्रपान विभिन्न औषधियों से युक्त होता था प्राचीन काल में और हम इसका प्रतिदिन प्रयोग करते थे, जैसे मुलेठी है, हल्दी है, तेजपत्र है, दालचीनी है, इलायची है, बरगद या पीपल की छाल है, नागरमोथा है, जटामांसी, ऐसे विभिन्न द्रव्यों का डिस्क्रिप्शन हमारे टेक्स्ट में दिया हुआ है जिसका प्रयोग हम किया करते थे और उसका प्रयोग ही हम यहाँ पर करवा रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर निरंजन सराफ का दावा है कि यह हर्बल हुक्का इन मरीजों के लिए वरदान साबित हो सकता है। इस हर्बल हुक्के में एक दर्जन से ज्यादा आयुर्वेदिक औषधियों का मिश्रण है। इसमें एरंड मूल, देवदारू, लख, जौ, वासापत्र, कंटकारी, मुलेठी, हल्दी, तेज पत्ता, पीपल की छाल, घी, नागरमोथा, गुलर दाल, लोध्र, बरगद की छाल का उपयोग किया जाता है। डॉक्टर सराफ की माने तो यह हुक्का कोरोना में कमाल का असर दिखाता है। एक तरह से यह हुक्का आपको लंग्स थेरेपी देता है। इससे फेफड़ों में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है, सांस की नलियां खुलती है, अगर कफ की शिकायत भी हो तो वो भी दूर होती है। एलोपैथी डॉक्टर्स की राय इनसे अलग हो सकती है। एलोपैथिक और आयुर्वेदिक पद्धति दोनों अलग अलग है ना, उनके कोई पद्धति ऐसी होती है जिसके कारण वो इलाज करते हैं, तो इसके बारे में मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि एलोपैथी के बारे में बात होती है तो मैं आपको सब बता देता हूँ। इसकी जानकारी आप उनसे आयुर्वेदिक वाले से लें। आप, मैं कुछ भी इसमें नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगा। करीब एक साल पहले इस हर्बल हुक्के की शुरुआत हुई थी। जब मरीजों पर इसका चमत्कारिक असर दिखा तो आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। इसके धूम्रपान से ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक हो जाती है। ऑक्सीजन सप्लाई ठीक होने से शरीर में नई कोशिकाएं बनती है। इस हुक्के का सेवन 10 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान सेहत का खजाना रहा है। आज के डॉक्टर इसमें नए नए प्रयोग कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है।
हर्बल हुक्के से लोगों की सेहत सुधरने का दावा किया जा रहा है। लोगों का रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है। फिलहाल काम की बात तो यह है कि अगर आपको सांस से संबंधित कोई भी परेशानी है तो चले आइए उज्जैन के आयुर्वेदिक कॉलेज और उड़ाइए धुएं के छल्ले। ईटीवी भारत, मध्य प्रदेश।